गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है, यानी यूनिक सिर्फ ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आज है संडे का दिन और इवनिंग का टाइम हो गया है, हम निकल रहे हैं मार्केट के लिए, तो चलो आप सबको भी लेकर चलते हैं। प्लांट निकली हुई है इसके अंदर, ऊपर वो कर दिया ड्राइंग पेंटिंग। लक्ष्मण जी मेघनाथ के साथ युद्ध कर रहे थे और मेघनाथ ने शक्ति बांधा। इस तो घर से निकली और पुराने घर गई, सबसे बात मत करके मिलके गए मार्केट में, ऐसे मार्केट वहाँ कुछ काम था तो वो किए, वो करके अब आ गए हैं घर। ज़्यादा ब्लॉगिंग बाहर हुई नहीं, बात करने में टाइम निकल गया, तो ये ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा। कल मिलते हैं मॉर्निंग में। मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। हो रही है मॉर्निंग का टाइम और सावन सोमवार का तीसरा सोमवार है आज। तो सुबह सुबह मैं नहा ली हूँ और किचन में आ गई हूँ, खाना बना रही हूँ, तो मैं सोची कि चलो ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर देती हूँ उसके साथ ही, और आपको भी दिखाती हूँ क्या क्या बना रही हूँ। तो वैसे मेरी दाल तो बन गई है, दाल गल गई है मेरी और सब्जी बना रही हूँ। पता लग ही रहा होगा, जब आती तो मैं ब्लॉग बनाती हूँ। तो आप लोग को लग रहा होगा क्यों नहीं आ रही है, आई धीरे धीरे कुछ था नहीं यार, कंटेंट समझ नहीं आ रहा। तो ये सब आप लोग उड़ते हुए जो देख रहे हैं, ये चिड़िया नहीं है, ये चमगादड़ है। चमगादड़ देखो कितनी सारी है यहाँ पर। क्यों
मुझे क्या तो वही था, मुझे क्या रास्ता याद करते करते ना तो एक तो वो नया ये वाला मैंने तो यहाँ पर जो सामने आपको एक टापू जैसे दिख रहा होगा तो ये नहीं, थोड़ा सा कैमरा को घुमा देती हूँ मैं और दिखाती हूँ। तो ये जो छोटी टापू है ये नहीं, ये जो बड़ी वाली जहाँ से आप लोग देख सकते हैं एक वायर जैसे दिख रहा होगा, रोपे वायर है, तो ये है उमानंद टेंपल, शंकर जी का टेंपल है और काफ़ी फेमस टेंपल है यहाँ की, जो कि बोट से हमें जाना पड़ता है पानी वाली जहाज़ से, और वहाँ पर आपको बोट ले जाके छोड़ देगा, फिर लेकर भी आएगा। और मैं अभी तक नहीं गई हूँ क्योंकि बोटिंग की भी टाइमिंग रहती है उस, और अभी हमें टाइमिंग नहीं मिल पा रहा है, जब भी जाऊँगी वीडियो भी ज़रूर बनाऊँगी। हम लोग अभी आए हैं रिवर ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रंट व्यू देखने के लिए, इसको मतलब काफ़ी अच्छे व्यू है यहाँ से, मज़ा आ रहा है, लेकिन गर्मी बहुत है, पूरे रिवर किनारे ना तो और भी ज़्यादा एकदम गर्मी है। सुबह आके दिखा देना फिर। तो गाइस हम लोग वहाँ से निकल के
आप जा रहे हैं अपनी स्कूटी जहाँ पार्किंग में लगाए हैं वहाँ पर। गर्मी बहुत ज़्यादा है, नहीं तो और भी रुके रहते हम लोग, बैठे रहते हैं। लेकिन थोड़ा डाउन है और रिवर ज़्यादा तो ज़्यादा गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है इसलिए आइसक्रीम ली मैं, थोड़ा आइसक्रीम से गर्मी को दूर लगा है। सर छोटी बच्ची हो क्या? हाँ मैं छोटी बच्ची। यस गाइस, छोटी बच्ची को आइसक्रीम खाते हुए जिद करती है, नहीं देने से रोती है। अपने घर अपने घर से हो रिवर व्यू देखने के बाद इतना स्ट्रांग है, दोस्तों में धूप भी लग रही थी और गर्मी भी लग रही थी, दोनों का फायदा उठाएंगे, दोनों का बनाएगा। तो हम लोग वहाँ खाना खा के आ गए हैं अभी घर। अभी तो 9 बज रहे हैं, काफ़ी टाइम से हम लोग घर आ गए। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बाहर तो ज़्यादा कहीं घूमे नहीं, बस वहीं रिवर व्यू देखने के लिए गए थे, सोचे थोड़ी देर बैठेंगे, लेकिन वहाँ भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो बस वही वीडियो थोड़ी सी बना और तो आप लोग समझ सकते हैं कि मेरे सामने कौन मस्ती कर रहा है। कर दूँ बैक कैमरा, कर दूँ आ जाएगा ब्लॉग तो अभी के लिए इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, कल मिलते हैं फिर से मॉर्निंग में। नहीं मॉर्निंग में नहीं, जरूरी नहीं है, जब लगता नहीं है तब मिलेंगे। तब के लिए गुड नाइट। मॉर्निंग गाइस, तो वो ये मॉर्निंग का टाइम और मैं जा रही हूँ नीचे नीचे वो बेलपत्र लाने के लिए। तो बेलपत्र लेंगे, फूल भी दिखेगा, फूल भी ले लेंगे। आज सोमवार है, सावन का सोमवार, चौथा सोमवार, पूजा कर लेते हैं। तो ये है बेलपत्र, हो गया तीन दिन पत्ता हो गया। बेल पत्ता तो हो गई, अब फूल भी देख लेते हैं, अगर फूल भी मिल जाए तो चढ़ा देंगे, वैसे तोड़ लेते हैं सभी लोग। पार्क साइड तो मिले नहीं, अब देखते हैं, थोड़ा साइड में भी बहुत सारे फ्लावर लगे हुए, गिर जाते हैं, थोड़ी लेट हो गई हमें आने में, देखते मिल जाएगा तो तोड़ लेंगे। इतनी सारी है अभी, झाड़ू लग गया नहीं तो पूरी बिछी हुई रहती है फ्लावर से। फ्लावर तो मिली नहीं, बड़ी पत्ती हो गई है, तो बड़ी पत्ती चढ़ा देंगे। फ्लावर टूट गया है सर, बहुत साबुन सोमवार है तो फिर बहुत लोग तोड़े भी होंगे और झड़ भी जाता है। अपने बेलपत्र में तो सामा सोमवार का बेलपत्र होता है जो कि मुझे मिल गया अपने गार्डन में।